Good morning, students. So today in this lecture we are going to learn about the components of digital computer. तो किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कोई भी एक डिजिटल कंप्यूटर किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, आज हमारा जो स्टडी होगा इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग डिजिटल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा समझना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिजिटल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था आप लोगों को, और उस डिजिटल आर्किटेक्चर में हमारे पास चार कंपोनेंट्स थे। CPU जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, या फिर सिंपली उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं या प्रोसेसर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज द साइन ऑफ माइक्रो। द सेकेंड यूनिट वी हैव दैट इज मेमोरी, जिसको हम लोग स्टोरेज कहते हैं कि जहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो द सेकेंड थिंग इज स्टोरेज। द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड इनपुट यूनिट एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज नोन एज दैट इज इनपुट डिवाइसेज और इनपुट यूनिट एंड द लास्ट वन विच इज नोन एज आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइसेज। यहाँ पे इन दोनों को मिला के कभी कभी एक और नाम से इसको पुकारा जाता है। अगर आपको कहा जाए पेरीफेरल्स, अगर पेरीफेरल्स की बात कहीं पे आती है तो पेरीफेरल्स कहने का मतलब ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज आर नोन एज पेरीफेरल्स। ठीक है, तो ये पेरीफेरल्स भी कहलाता है दोनों को अगर मिला दिया जाए, या फिर इसको हम लोग सिंपली कहते हैं IU यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट। सो आपको कंफ्यूज नहीं करना है अगर कहीं ऐसी चीजें आपको लिखी हुई मिले या कहीं पे आपको सुनने को मिले तो, कि ये IO यूनिट कहने का मतलब कि हमने इनपुट को और आउटपुट को दोनों को एक साथ बोला है, या फिर पेरिफेरल्स की जब बात करते हैं तो पेरिफेरल्स कहने का मतलब कि सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कनेक्टेड है। अब ये पेरिफेरल इसको क्यों कहते हैं, इसकी स्टडी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ठीक है, ये पेरिफेरल आखिर इसे हम क्यों कहते हैं। सो जब हम लोग ये डिजिटल कंप्यूटर के कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसमें जो पहला हमारा है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो सिंपली जो एक कंप्यूटर आपके जो जेहन में आता है, आपके माइंड में जो एक कंप्यूटर की तस्वीर बनती है वो कुछ ऐसी तस्वीर बनती है कि दिस इज योर एंड वी हैव दिस वन एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू ऑल दिस। और यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये आपका मॉनिटर जिसे आप कहते हो, दिस वन इज योर कीबोर्ड, दिस वन इज योर माउस एंड दिस वन इज यू कॉल्ड CPU। बट आज थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिए कि उसे CPU नहीं कहते हैं, दिस इज नोन एज सिस्टम बॉक्स। इस सिस्टम बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इसी के अंदर मदरबोर्ड होता है, उसी मदरबोर्ड पे असेंबल्ड होता है रैम होता है, उसी मदरबोर्ड से कनेक्टेड आपका हार्ड डिस्क होता है, उसी मदरबोर्ड से कनेक्टेड आपके सारे USB पोर्ट्स होते हैं, उसी मदरबोर्ड से कनेक्टेड आपके CD-ROM या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जो आप कनेक्ट करोगे वो सारे इसी मदरबोर्ड पे जुड़े हुए होंगे, और उसी मदरबोर्ड पे एक छोटा सा IC लगा हुआ होगा। ठीक है ना, एंड दैट IC इज नोन एज CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ये पूरा का पूरा CPU नहीं कहलाता है, ये डब्बा है जिसके अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट है CPU। तो इस बात को मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि कभी आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जिस डब्बे को आप, जिस बॉक्स को आप CPU कह रहे हो वो CPU नहीं है, बल्कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग CPU कहते हैं। खैर, तो दीज आर द बेसिकली 4 कंपोनेंट्स फ्रॉम विच द CPU इज द कंप्यूटर इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड। अब इन सारे जो कंपोनेंट्स हैं डिजिटल कंप्यूटर के, इन सारे कंपोनेंट्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स बेसिकली है क्या। तो जब सबसे पहले हम लोग CPU की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सो दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज हार्ट एंड ब्रेन। आपके कंप्यूटर का हार्ट और ब्रेन दोनों कौन होता है, तो CPU होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभी आपसे पूछा जाता है, CPU इज ब्लैंक ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU इज ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑफ कंप्यूटर देन हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ट एंड ब्रेन, तो हार्ट एंड ब्रेन इसको इसलिए कहते हैं कि आपके कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेसिंग होता है, जो भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड
हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ब्रेन वाई? बिकॉज ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही पूरे के पूरे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है. दैट्स व्हाई इट इज ब्रेन. हमारा ब्रेन ही है ना, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. सो ये सीपीयू ही होता है जो सीपीयू कंट्रोल यूनिट. आप डिजिटल आर्किटेक्चर को थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो को देखना, तो वहां पे आपको एक सीयू था, कंट्रोल यूनिट था, एएलयू सीयू एंड रजिस्टर्स इनसाइड द सीपीयू. सो दैट सीयू कंट्रोल्स द होल कंप्यूटर. दैट्स व्हाई इट इज द ब्रेन. एंड अगर ये काम करना बंद कर दे, सीपीयू काम करना बंद कर दे, तो आपका कंप्यूटर कोई भी प्रोसेस नहीं करेगा. और कंप्यूटर का काम क्या होता है? इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना. अब ये प्रोसेस ही नहीं करेगा तो क्या होगा? इनपुट आप देते जाओ, यू नॉट गेट एनी आउटपुट, तो कंप्यूटर का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता. सो दैट इज आवर हार्ट. हमारा हार्ट जब तक पंप करता रहता है, हम काम की चीज है. हमारा हार्ट पंप करना बंद किया, सिमिलर सीपीयू के साथ है. सीपीयू अगर जब तक आपका काम कर रहा है, आपका सिस्टम काम कर रहा है, आपका सिस्टम आउटपुट दे रहा है, सीपीयू काम करना बंद कर देगा, आपका सिस्टम आउटपुट देना बंद कर देगा. क्यों? क्योंकि प्रोसेस होना बंद हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. द सेकेंड थिंग वी हैव, दैट इज द मेमरी. वॉट इज मेमरी? सो मेमरी इज सिंपली, इट इज द सेल्स, मेमरी सेल्स. या कह सकते हैं कि ये वो एरिया है जहां पे हम कुछ रख सकते हैं. जैसे आपके घर में आपका कबर्ड होता है जहां पे आप अपने कपड़े रखते हो, किसी के घर में अलमीरा होता है. आप अगर मान लो बाहर में यहाँ के रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके घर में वो सेल्फ्स होते हैं जहां पे आप अपनी किताबें रखते हो. तो वो सारी जो लोकेशंस या प्रॉपर प्लेसेस बनाई गई है, वो क्या किस लिए बनाई गई है? कुछ चीज़ों को रखने के लिए, कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए. सिमिलरली जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है. तो वो डेटा कहाँ स्टोर करेगा? तो वो डेटा जहाँ स्टोर करेगा, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोरेज. Here we store something, and what we store something? Zeros and ones. क्योंकि कंप्यूटर आपका जीरो और वन पे काम करता है. अब ये जीरो वन क्या है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जीरो वन है क्या, और इसको कैसे जीरो वन को स्टोर किया जाता है. ठीक है, वो अगले वीडियोज में जब हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बारे में डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पे हम लोग एक एक करके इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे. तो मेमरी बेसिकली क्या है? मेमरी वो एरिया है, वो लोकेशन है, या पर्टिकुलर वो एक ऐसी जगह है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे कि हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. और जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, वो मेमोरी कहलाता है. अब डेटा स्टोरेज भी होता है, वो डिफरेंट टाइप का होता है कि कहीं पे टेम्प्रेरी डेटा रखेंगे, कहीं डेटा परमानेंटली रखेंगे. तो वो डिपेंड करेगा कि डेटा कैसा है और किस तरीके से स्टोर करना है. दैट इज़ नोन एज टाइप्स ऑफ मेमोरी. तो हम लोग जब मेमोरी के टाइप्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्टोरेज मतलब कि वो प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, वोलाटाइल स्टोरेज है, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है, या और भी बहुत सारी चीज़ें टर्म्स आपको मिलेंगे मेमोरीज में. तो वो क्या टर्म्स होंगे जब हम लोग मेमोरी के मेमोरी को स्टडी करेंगे, वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेस. जब हम लोग इनपुट यूनिट की बात करते हैं, तो वो हर डिवाइस जो कि कंप्यूटर में डेटा भेज सकता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा. जब हम लोग इनपुट डिवाइस की बात करें, तो किसी एक डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सेवरल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं. वो आपका कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट डिवाइस है. माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है. माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है. मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे कंप्यूटर में इनपुट करूँगा, तो हमारा कैमरा क्या है? एक इनपुट डिवाइस होगा. वहाँ जो वॉइस मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है. कैसे रिकॉर्ड हो रही है? तो माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है. तो वो माइक क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा. सो ऑल दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू फेड डेटा टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डेटा पहुँचाने के लिए जिन सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, वो सारे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं. वहीं पे जब लोग आउटपुट यूनिट की बात करें, आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, तो हम उन सारे डिवाइसेस की बात करते हैं. कोई एक डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सारे डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जिसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर से आउटपुट ले सकते हैं. मतलब कंप्यूटर में जो स्टोर है उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं अपने लिए, अपने इंटरफेस के लिए. जैसे ये मॉनिटर क्या कर रहा है? जो भी आप टाइप करते हो या फिर जो भी आप मूवीज देख रहे हो, तो वो उसको यहाँ पे आपको मॉनिटर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, उस वीडियो पे आपको वो दिखाता है. तो वो क्या हुआ? आपको आउटपुट दिया गया. यानी जो 01 में स्टोर था उसको बदल के आपको कुछ दिया गया.
वहीं पे जब आप प्रिंटर को यूज करते हो तो आपको प्रिंटर पे हार्ड कॉपी मिलती है, वो क्या था, आउटपुट था, कंप्यूटर के अंदर था, वो आपको बाहर मिला। वहीं पे जब आप गाने सुनते हो या इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो उस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी वॉइस आप सुन पा रहे होगे। तो वॉइस कैसे सुन पा रहे होगे, तो आप वॉइस सुन पा रहे हो जो स्पीकर्स लगे हुए हैं आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर पे, या स्पीकर्स जो होंगे उस पे आप वॉइस सुन पा रहे हो, तो वो सारे डिवाइसेस क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। अब सिंपली एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है लोगों के बीच में कि जब लोग पूछते हैं कि एक कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो वो सब लोग गिनाने लगते हैं कि मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, इन आपका माउस होता है, यूपीएस होता है, सीपीयू होता है, इस तरीके की बात करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल इस तरीके से आपको नहीं कहना है। आपको कहना है सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, इनपुट यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है। अगर आप कहते हो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तो वो क्या हो गया, इनपुट यूनिट हो गया। आप कहते हो मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, वो क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया। आप कहते हो हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, वो क्या हो गया, मेमोरी हो गया। आप कहते हो सीपीयू होता है, तो सीपीयू केवल एक ही है आपके कंप्यूटर में, तो वो सीपीयू भी होता है। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे सिस्टम में नंबर ऑफ सीपीयूज ज़्यादा होते हैं। ऐसा कभी सवाल आपको ट्रिकी लोग पूछ सकते हैं, क्या एक कंप्यूटर में एक ही सीपीयू हो सकता है? हाँ, ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें एक ही सीपीयू होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं या बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, आप भी वो महंगे कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर ले सकते हो जिसमें एक से ज़्यादा सीपीयू हो सकते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर्स का नाम आपने सुना होगा, उसमें एक साथ हजारों सीपीयू लगे हुए होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सीपीयूज हो सकते हैं, बट वो कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर होगा। हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे एक ही सीपीयू होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब इन डिजिटल इन कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके हम लोग एक एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि सीपीयू क्या है, बेसिकली सीपीयू के इनसाइड क्या होता है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, मेमोरी क्या होता है, कितने तरह की मेमोरी होती है, और उसको फिर अलग अलग करके लेके चलेंगे। फिर इनपुट यूनिट में हर एक इनपुट यूनिट की बात करेंगे, आउटपुट यूनिट में हर एक इनपुट आउटपुट यूनिट की बात करेंगे, वो कैसे फंक्शन करता है। अगर प्रिंटर है तो वो आखिर कैसे प्रिंट कर रहा है। अब प्रिंटर में भी डिफरेंट कैटेगरी का प्रिंटर है कि इंकजेट प्रिंटर है तो वो कैसे प्रिंट करता है, लेजर प्रिंटर है तो वो कैसे प्रिंट करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो वो कैसे प्रिंट करता है। अगर आप कीबोर्ड इस्तेमाल करें तो कीबोर्ड आखिर किस तरीके से इनपुट भेजता है कंप्यूटर को। अगर माउस को यूज़ करें तो वो माउस कैसे इस्तेमाल होता है, वो डिस्प्ले हो रहा है तो आखिर डिस्प्ले कैसे आता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे जब हम लोग एक एक करके सारे डिवाइसेस को समझेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।